दोस्तों दया ने पकड़ा है अभिजीत और पूर्वी को रंगे हाथ। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत और पूर्वी और दया ये तीनों सीआईडी के जाने माने अफसर है और ये तीनों एक दूसरे का मदद करते हैं हर काम में, हर मुजरिम को पकड़ने में। लेकिन ऐसा क्या हो चुका है कि दया को पीछा करना पड़ा अभिजीत और पूर्वी का और रंगे हाथों दया ने पकड़ ही लिया है अभिजीत और पूर्वी को? क्या है ये मामला, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सीआईडी या फिर अभिजीत लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर अभिजीत और पूर्वी जो है वो एक 100 करोड़ रुपए का हीरा जो है उसको छुपाने के लिए जा रहे होते हैं एक घर के अंदर, लेकिन इस बारे में सीआईडी टीम को पता नहीं होता है। तो ऐसे भी प्रद्युमन जो है वो दया को भेजते हैं कि पता करने के लिए कि अभिजीत और पूर्वी ये 100 करोड़ रुपये का हीरा कहाँ रखने जा रहे हैं और उसने उन लोगों ने इसके बारे में सीआईडी को अभी तक क्यों नहीं बताया है, यानी कि एसीपी सर को अभी तक क्यों नहीं बताया है। तो दया जब पीछा करते हैं अभिजीत और पूर्वी का तो दया को पता लगता है कि अभिजीत और पूर्वी उस हीरे को लेकर जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है उसको एक घर में लेकर छुपा देते हैं और दया ये बात फोन करके एसीपी प्रद्युमन को भी बता देते हैं। तो क्या अभिजीत और पूर्वी सीआईडी के दुश्मन बन चुके हैं या फिर सीआईडी को धोखा देना चाहते हैं? इस 100 करोड़ रुपए वाले हीरे के पीछे का असली राज क्या है ये आपको पता चलेगा दोस्तों सीआईडी के सीजन 2 के इस शानदार एपिसोड में। धन्यवाद।